बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एस्ट्रोजन के बारे में बताया था और उसके फंक्शन के बारे में। आज ये दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन के लिए कि प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन किस तरीके से होती है और इसका फंक्शन क्या है। अब अगर देखा जाए तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जिस तरह से FSH सिक्रीट हो रहा था और ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था और ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन की सिक्रीशन हो रही थी, इसी तरीके से यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से LH की सिक्रीशन होगी और LH जो है वो एक्ट करेगा किस चीज़ पे, कार्पस ल्यूटिनम पे, और कार्पस ल्यूटिनम से सिक्रीट होगा प्रोजेस्टेरॉन। ये इसकी सिक्रीशन इस तरीके से है, LH जो है ये कार्पस ल्यूटिनम बनाता है और कार्पस ल्यूटिनम के बनने की वजह से ये एक हार्मोन की सिक्रीशन कर लेता है और उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन है क्या और उसका प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन क्या है तो देखते हैं। इसका पहला फंक्शन है इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन द यूट्रस। जो यूट्रस है, जो बच्चेदाना है फीमेल का, उसका जो ये वाला लेयर है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहा जाता है। इसके तीन लेयर मौजूद है, तीन लेयर पे ये यूट्रस मौजूद है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इन तीन लेयर पर मौजूद है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये लास्ट वाला जो है ये एंडोमेट्रियम, इनर साइड वाला एंडोमेट्रियम है। अब इन्हीं एंडो प्रमोट द सिक्रेटरी चेंजेस एंड द यूट्रीन एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम वॉल है, इसमें जो सिक्रीशंस होती है, उन्हीं सिक्रीशन को उनको तैयार करना ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है, जो फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मतलब आफ्टर 15 डेज के बाद इसकी सिक्रीशन होती है। जब आफ्टर 15 डेज के बाद इसकी सिक्रीशन होती है तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है, ये यूट्रस क्या कर लेता है, वेलवेटी बना लेता है। इसी तरीके से इसको वेलवेटी बना लेता है। और वेलवेटी बनाने का ये मकसद ये है ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। दूसरी, प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। यहाँ पर यहाँ से जो फीमेल से जो सेकेंडरी ओसाइड निकल चुका है, ये है हमारे पास सेकेंडरी ओसाइड। अब जब ये पंडस रीजन पे पहुँच जाए और यहाँ पर इसके साथ स्पर्म मिल जाए तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर जायगोट बन जाता है। जायगोट के बन जाने के बाद ये जायगोट हमारे पास इसकी डिवीजन होगी और ये फंडस रीजन पे यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लांट होगा। तो इसी एम्प्लांटेशन रीजन, फंडस रीजन को तैयार करना फॉर द इम्प्लांटेशन, ये भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही काम है। इसका तीसरा फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट फर्दर FSH सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर FSH की फर्दर सिक्रीशन होती है तो फिर से दोबारा एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और ग्राफियन फॉलिकल बनने की वजह से दोबारा एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन होगी। तो प्रोजेस्टेरॉन की जब सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो FSH की सिक्रीशन क्या होगी, स्टॉप होगी। तो दोबारा ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा और फॉलिकल ना बनने की वजह से एस्ट्रोजन की सिक्रीशन नहीं होगी। वास्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस, वास्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस से मेरा मतलब ये है कि ये जो ब्लड फ्लो है ये किस साइड पे ज़्यादा होगा, यूट्रस साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्योंकि यूट्रस साइड पे इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर जो यूट्रस है इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मौजूद है तो ब्लड फ्लो जो है वो यूट्रस साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मेंटेन प्रेगनेंसी, जो प्रोजेस्टेरॉन है हार्मोन है, अगर इसकी लेवल मेंटेन है, प्रॉपर है, तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या है, कम हो गई, तो प्रेगनेंसी जो है वो लास्ट हो सकती है। डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल के जो ब्रेस्ट हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। लेकिन एक बात याद रखें कि इसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है।
एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और इसके साथ साथ एक दूसरा हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है और उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। मतलब ये कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन ये ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं यहाँ पर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट लिख लेता हूँ। जब ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट होगी तो साथ ही साथ क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगी, मिल्क प्रोडक्शन फीमेल के ब्रेस्ट में आफ्टर डिलीवरी इसकी मिल्क की प्रोडक्शन होगी। तो ये थी हमारे पास क्या प्रोजेस्टेरॉन की और फंक्शन। अब हम एक दो हार्मोन्स हैं और वो है लेप्टिन और ग्रेलिन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमें भूख का एहसास देती है या हमें ये एहसास देती है कि अब हमारा पेट जो है वो भर गया है, अब हमें मजीद खाना नहीं चाहिए। तो पहले हम कर लेते हैं लेप्टिन। लेप्टिन हमारे पास एक प्रोटीनिशियस हार्मोन्स है और ये एडिपोज टिश्यू जो हमारे पेट सेल टिश्यू है वो पैदा कर लेते हैं, और ये लेप्टिन जाके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर लेता है। हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करने की वजह से इस बंदे को ये एहसास हो जाता है कि ये क्या कुछ खाना चाहिए ताकि उसकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे, या वो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर लेता है। मतलब खाने की जो एहसासियत है ये हमें कौन करता, लेप्टिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर लेप्टिन हार्मोन जो है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ख़राब हो गया या चेंज इसमें आ गए तो उस बंदे को जो भूख है वो उसकी हसासियत जो है वो नहीं लगेगी। इसके अपोजिट में एक दूसरा हार्मोन है ग्रेलिन, और ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है टू द लेप्टिन। मतलब ये लेप्टिन के अपोजिट ही काम कर लेता है। और जो स्टमक का जो फंडस रीजन है, अगर मैं स्टमक को ड्रा कर लूँ ये वाला, इस रीजन को कहते हैं फंडस। इस फंडस रीजन से ये स्टमक का जो फंडस रीजन है इससे ये ग्रेलिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेट होने की वजह से हमें भूख के जो एहसासियत है वो हो जाती है और हम खाने लगते हैं। यहाँ पर जो हमें भूख होती है वो हमारी मिट जाती है क्योंकि हमने कुछ खा लिया है। खाने की वजह से हमारा जो भूख है वो मिट जाता है और हम फिर मजीद खाना नहीं खाते। और इसी तरीके से जो ग्रेलिन हार्मोन है ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट है ग्रोथ हार्मोन की। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर लेता है और यही ग्रोथ हार्मोन हमारी मसल्स और बोन पे एक्ट कर लेता है, बोन्स और मसल्स पर। और इसी बोन्स और मसल्स के एक्ट करने की वजह से हमारी जो बॉडी ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक लेप्टिन, वो हमें भूख हंगर पैदा कर लेता है, और ये ग्रेलिन जो है ये हमारी भूख को क्या कर लेता है, मिटा लेता है। तो इसी तरीके से जो हमें भूख लगती है ये भी इन दो हार्मोन्स की वजह से हमें भूख की जो एहसासियत है वो हमें महसूस होती है। तो ये था हमारे पास कंट्रोलिंग हंगर के हमारे बॉडी में किस तरीके से ये पॉसिबल है। थैंक यू।